जब बैक टू बैक शूटिंग कर रहे हो आप तो बीच में ब्रेक तो बनता है, उसमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसके बीच में ब्रेक नहीं बनता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। अद्भुत है ये नजारा, अविश्वसनीय है ये तस्वीर, गजब का बना है ये समा। लेकिन इस समा की शाम ढलते ही शुरू होगा 109 देशों का वॉर नुमा गेम, और इसके खिलाड़ी होंगे 9308 सैनिक। जी हाँ, आंखों को चकाचौंध कर देने वाली ये तस्वीरें चीन के वुहान शहर की हैं, जहां 7वें वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स की रंगारंग शुरुआत हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस भव्य आयोजन का उद्घाटन किया। इस मौके पर चीनी राष्ट्रपति के अलावा चीनी सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सातवें वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में शूटिंग, तैराकी, ट्रैक एंड फील्ड और बास्केटबॉल सहित कुल 27 विधाएं शामिल हैं। प्रतियोगिता में 109 देशों के 9308 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। समारोह में ओलंपिक की तर्ज पर अलग अलग देशों की सेनाओं को अपना जौहर दिखाने के लिए मंच तैयार किया गया है। खेल समारोह की आयोजन कमेटी के प्रधान को चेन जूंग के मुताबिक ये खेल समारोह दुनिया के सैनिकों का ओलंपिक है। ।1948 में बेल्जियम, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, फ्रांस और नीदरलैंड्स ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद की स्थापना की थी। 1995 में इटली में पहली बार वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स आयोजित किए गए थे। चीन से पहले मिलिट्री गेम्स का आयोजन क्रोएशिया, इटली, भारत, ब्राजील और दक्षिण कोरिया में भी हो चुका है। 10 दिन तक चलने वाली इस खेल प्रतियोगिता में भारतीय सेना भी हिस्सा ले रही है।